आज जो इनका उठ नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा राखी जो है ये बंधा हुआ है इनके हाथ में। सबसे आए हैं फीडबैक लेने के लिए कि कैसा टेस्ट लग रहा है, सब कुछ सही है कि नहीं, अरेंजमेंट सही है कि नहीं। 130 आइटम आज है। तो एक ऊपर चाउमीन जो है ये बना कर दिया जा रहा है, और इधर देखिए ये चार पांच अलग अलग मोमोज का काउंटर है। ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर है आइसक्रीम, और ये जो बगल वाला आप जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर है गोलगप्पा। और अभी मतलब ऐसा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट जो है दिन भर चलते रहेगा, रात तक जो है ऐसा ऐसा शिफ्ट चलते रहने वाला। ये क्राउड देखिए, कोई आपको इसमें मेल मेंबर नहीं दिख रहे होंगे, जेंट्स अगर है भी तो वो ना वॉलंटियर के पॉइंट ऑफ व्यू, वॉलंटियर करने के लिए है, खाने में सिर्फ जो है वो लड़कियां हैं। ये देखिए ये वाला जो सेक्शन है ये फ्रूट्स का सेक्शन है, अलग अलग केला से लेकर अमरूद से लेकर सेव से लेकर संतरा से लेकर हर चीज आपको यहाँ दिखेगा। 10,000 लड़के के लिए 10,000 मोमो सर। 10,000 लड़की है जी सर। सेक्शन है ये है ड्राई फ्रूट वाला सेक्शन, यहाँ आपको अलग अलग ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलेगा। ये दिख रहा है हमको अंजीर है, इधर छुआड़ा है, ये डेट्स हो गया, किसमिस, अलग अलग तरीके का चिप्स आपको देखने को मिलेगा। तो इधर सारा स्नैक्स का आइटम है, बहुत भीड़ है, इधर देखिए लोग लाइन में लगे हैं, इसी में घुस घुस के दिखा रहे हैं आपको सब चीज़। वक्त के साथ भीड़ और गर्मी दोनों ही यहाँ बढ़ता चला जा रहा है, तो लोग जो है अपना खाना लेके, खाने का प्लेट जो लेकर अब बाहर जा रही है। अभी जो मेरे पीछे का भीड़ देख रहे हैं ये ना किसी लंगर का भीड़ है, ना किसी शादी का भीड़ है, ना किसी मेले में हम लोग आए हैं, बल्कि आज रक्षाबंधन का दिन, और हम लोग आए हैं आज पहली बार खान सर के कोचिंग में रक्षाबंधन देखने की कैसे यहाँ मनाया जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में, और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को शायद पता होगा, बहुत लोगों को पहले से ये बात पता होगा कि हर साल खान सर के कोचिंग में रक्षाबंधन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, ढेर सारा आइटम जो है वो लगाया जाता है और हर एक लड़की को यहाँ पर खिलाया जाता है। तो अभी हम लोग बहुत बार सुनते थे कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, आज पहली बार जो है खुद से आए हैं कोचिंग में देखने के लिए। वैसे तो किसी को अलाउड नहीं है, बाहर के लोग यहाँ आ नहीं सकते हैं, बट कुछ लोग जो है हमें जानते हैं यहाँ पर कोचिंग के, तो वो इन्वाइट किए हैं स्पेशली कि आइए देखिए कि यहाँ कैसे बुफे जो है लगता है, क्या कुछ मिलता है। तो आज हम लोग आए खान सर के कोचिंग में और दिखाने वाले हैं खान सर के कोचिंग में कैसे रक्षाबंधन मनता है। ये देखकर हम शॉक्ड हो चुके हैं, इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा क्राउड है, और इतना अलग अलग जो है वैरायटीज़ यहाँ खिलाया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है आज के इस दावत में। और ये हम लोग के लिए बिल्कुल भी नहीं, ये सभी जो है ये बहनों के लिए है, जो भी स्टूडेंट है या जो भी लड़कियाँ हैं सिर्फ उनके लिए ये है। तो हम बिल्कुल भी खा के इसे रिव्यू नहीं करने वाले हैं, बस आपको दिखाने वाले हैं कि क्या क्या आज है यहाँ के मेन्यू। पहले आपको लोकेशन बता देते हैं, बिखना पहाड़ी में है खान ग्लोबल स्टडीज, और यहीं पर हम लोग आए हैं, ये जो नीचे वाला जगह है वो, और ऊपर चलते हैं, ऊपर का जो लुक आपको दिखाते हैं। फिर ये देखिए यहाँ जो क्राउड है और जितना अलग अलग वैरायटी है, ये किसी बड़े से बड़े शादी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कुछ यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोगों को रोका जा रहा है क्योंकि हर कोई एक साथ एकोमोडेट मतलब अंदर आ नहीं सकते हैं, तो बाहर इतने सारे लोग जो है ये वेटिंग में खड़े हैं, लाइन लगा के खड़े हैं, और इधर जो है ये सारा खाना जो है वो खिलाया जा रहा है। तो एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है यहाँ। जैसे ही हम लोग अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ जो स्नैक्स का आइटम है, हाजमोला रखा हुआ, हाजमोला के अलावा ये डिफरेंट डिफरेंट स्नैक्स आइटम है, चिप्स हो गया, और काफ़ी कुछ है, इतना अलग अलग वैरायटी आपको किसी पार्टी किसी शादी में देखने को नहीं मिलता होगा। चिप्स है अलग अलग, मतलब फ्रैम्स है, ये कुछ मिक्सचर वगैरह है, इधर देख रहे हैं कि मठरी है, ये बनाना चिप्स है, क्या क्या आपको नाम बताएं, आप खुद ही देखिए वीडियो में कि कितना कुछ है, कितना वैरायटी है, का चिप्स आपको देखने को मिलेगा। तो इधर सारा स्नैक्स का आइटम है, बहुत भीड़ है, इधर देखिए लोग लाइन में लगे हैं, इसी में घुस घुस के दिखा रहे हैं आपको सब चीज़। थोड़ा आगे बढ़ते हैं जगह बनाते हुए, और इधर देखिए ये मिक्सचर वगैरह जो है वो हो गया, ये चना चूर गराम, ये मटर जो है ये हो गया, इधर जो है कुछ अलग सा पकौड़ा जैसा जो है वो दिख रहा है, थोड़ा साइड देते हुए क्योंकि लोग जो लाइन लगा के खाना अपना ले रहे हैं। आगे बढ़ के दिखाते हैं, इधर देखिए ये गठिया वठिया पीनट है, क्या क्या आपको दिखाएं, इधर देखिए ये कुछ अलग सा कुछ पकौड़ा वकौड़ा जैसा कुछ दिख रहा है, और आगे देखा जाए कि क्या है, इधर भीड़ देखते रहिए, और बहुत ज़्यादा आइटम है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इधर हो गया सौंफ मिश्री, इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है, इतना सारा वैरायटी है कि आपको क्या बताएं। अब जो सेक्शन है ये है ड्राई फ्रूट वाला सेक्शन, यहाँ आपको अलग अलग ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलेगा। ये दिख रहा है हमको अंजीर है, इधर छुआड़ा है, ये डेट्स हो गया, किसमिस, काजू, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्राइड काजू है, इधर देखिए इधर जो है कुछ फ्राइड काजू है, आगे भी कुछ दिख रहा है, अब आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है, इधर देखिए
ये जो है इधर आलमंड्स है, आगे जो इधर दिख रहा है हमको पिस्ता, इधर देखिए इधर जो है ये मखाना है और बहुत सारा चीज अखरोट उखरोट दिख रहा है। बहुत भीड़ है, बहुत भगदड़ मच रहा है, इसी में थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रहे हैं। ये साउथ इंडियन वाला एरिया हो गया, यहाँ इडली सांभर ये सब चीज है। और इधर देखिए इधर जो है ये डोसा वोसा जो है वो सब बन रहा है। इधर सारा जो ये लगता है कि डोसा का मसाला, और ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पर बनाया जा रहा है ये देखिए एकदम गर्मा गर्म लाइव डोसा। और अब आगे चलते हैं, आगे दिखा जो है ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट सलाद दही वड़ा ये सब इधर दिखा दिया आपको डोसा। अब आते हैं इधर की ओर, इधर जो है ये देखिए मीठे में है ये काजू का बर्फी, ये हो गया लड्डू, और इधर भी कोई अलग सा कलाकंद जैसा कुछ, ये जो है यहाँ देखिए ये रखा हुआ है छोला, इधर जो है ये हो गया भटूरा, ये जो है ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ये हो गया इधर ये मालपुआ जैसा लग रहा है, मालपुआ है कहिए पुआ कहिए, इधर जो है ये हो गया गुलाब जामुन रसगुल्ला। भाई साहब ये कितना अलग अलग डेजर्ट। इधर जो है ये देखिए ये जो है ये खीर, और अब आपको आगे चल के दिखाते हैं इधर एक जेली होता है वो हो गया, ये रखा हुआ प्रॉपर एकदम मिष्टी दोई जो मीठा वाला दही होता है वो है, इधर जो है ये हो गया रायता, इधर जो है हो गया पनीर पकौड़ा, ये सारा जो आप देख रहे हैं पनीर पकौड़ा है, इधर रायता हो गया, इधर ब्रेड पकौड़ा जो कि अभी रिफिल होगा, इधर केला पकौड़ा, ये देखिए ये इधर बैंगन पकौड़ा। भाई साहब वैरायटी आइटम आप गिनते जाइएगा, 100 से ज़्यादा आइटम है। इधर जो है हो गया आलू पकौड़ा, ये जो है यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये प्याज पकौड़ा, ये सब अभी रिफिल होने वाला है। इधर हो गया पापड़, इधर हो गया मोमोज, मतलब जितना आइटम आप जानते होंगे वेज में कोई आइटम यहाँ छुटा नहीं है, हर एक आइटम जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कोई भी डिश छुटा हुआ नहीं है। ये देखिए ये हो गया मोमोज वेज स्टीम मोमोज, इधर मुंह दुख गया मेरा आपको आइटम सुनाते सुनाते। ये जो है ये हो गया चौमिन, इधर जो है फिर से हो गया ये छोला, ये कुछ चाट वाट बनता होगा, इधर जो है ये देखिए ये हो गया राजमा, इधर हो गया ये हो गया मशरूम, इधर जो है ये हो गया आलू परवल की सब्जी, ये जो है आलू गोभी की सब्जी, इधर जो है ये हो गया मटर पनीर, बहुत सही से दिख रहा है मटर पनीर, ये हो गया चना मसाला, इधर हो गया लिट्टी कचौड़ी वचौड़ी, यहाँ पर जो है हो गया राइस, ये है दाल तड़का, उसके बिल्कुल बगल में इधर दो तीन अलग अलग वैरायटी का पालक पूड़ी नॉर्मल पूड़ी, और इधर जो है तंदूरी रोटी नान। यहाँ से लेकर के एंड पॉइंट तक हम लोग आ चुके हैं, सारा चीज़ आपको दिखा दिए खाने में क्या क्या है, बट अभी कम्प्लीट हुआ नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ। अभी चलिए आपको आगे का जो है वो दिखाते हैं। इधर देखिए ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर है फ्रेश फ्रूट्स, ये अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स होता है ये रखा हुआ है, संतरा केला अमरूद सब कुछ दिख रहा है। तो ये सारा जो फ्रूट आप देख रहे हैं ये अलग अलग फ्रूट्स कट करके रखा हुआ है, और उधर वाला जो सेक्शन है वहाँ हमको लग रहा है कुछ और आइटम। ये देखिए ये वाला जो सेक्शन है ये फ्रूट्स का सेक्शन है, अलग अलग केला से लेकर अमरूद से लेकर सेब से लेकर संतरा से लेकर हर चीज़ आपको यहाँ दिखेगा। और लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, हर एक लड़की आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुश है यहाँ आके, और ये सब जो खाना है ये खाकर का भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है। जहाँ तक हम सुने हैं तो 5,000 के आसपास टोटल लड़की यहाँ आई है खाने के लिए, राखी बांधने के लिए। और अभी मतलब ऐसा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट जो है दिन भर चलते रहेगा, रात तक जो है ऐसा ऐसा शिफ्ट चलते रहने वाला। ये क्राउड देखिए, कोई आपको इसमें मेल मेंबर नहीं दिख रहे होंगे, जेंट्स अगर है भी तो वो ना वॉलंटियर के पॉइंट ऑफ व्यू वॉलंटियर करने के लिए हैं, खाने में सिर्फ जो है वो लड़कियाँ की। सब कुछ खत्म हो गया बट अभी खत्म नहीं हुआ। इधर देखिए ये बर्गर वाला काउंटर है, ये जो हम लोग पटना में ठेले पर जो बर्गर मिलता है फ्राई किया हुआ, ये वो वाला काउंटर है। यहाँ अलग अलग बन जो है रखा हुआ है, और ये सारा प्याज टमाटर और बंधा वंदा खीरा वीरा दिख रहा है, और आगे भी देख रहे हैं कुछ, चलिए वो देखा जाए। ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर है आइसक्रीम, यहाँ जो हर किसी को आइसक्रीम काउंटर पर सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, सबसे ज़्यादा भीड़ होता है आइसक्रीम और गोलगप्पा पे। तो ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर है आइसक्रीम, और ये जो बगल वाला आप जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर है गोलगप्पा। ये दो काउंटर पे तो भीड़ होना ही होना है, तो यहाँ देखिए लाइन लगा हुआ है गोलगप्पा खाने के लिए, तीन तीन अलग अलग ये जो काउंटर है बना हुआ है सिर्फ गोलगप्पा के लिए, और यहाँ जो ये हो गया आइसक्रीम, और इधर ये भीड़ देखिए, ये अलग अलग टेबल लगा हुआ है चेयर लगा हुआ है, हर कोई बैठ कर यहाँ पर खाना जो है अपना इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा और भी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, हमको लगा अब क्या होगा, अब देखिए और आगे कुछ दिख रहा है, चलिए वो देखें। ये वाला सेक्शन देखिए यहाँ भी कुछ हमको दिख रहा है, यहाँ है ये मंचूरियन है, अच्छा यहाँ देखिए ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं यहाँ मंचूरियन, और यहाँ है तवा चाउमीन। वाह वाह वाह, ये तवे के ऊपर जो एक चाउमीन उधर भी था और एक चाउमीन इधर भी है, एकदम तवे के ऊपर चाउमीन जो है ये बनाकर दिया जा रहा है। और इधर देखिए ये चार पांच अलग अलग मोमोज का काउंटर है, एक नहीं दो नहीं चार चार अलग अलग जो है ये मोमोज का काउंटर दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ स्टीम मोमोज जो है वो बनाया जा रहा है।
और क्या बात है। आप लोग भैया कहाँ, आप लोग का स्टॉल कहीं लगता है, शॉप लगता है? कहाँ पर? एनआईटी मोड़ में लगता है सर। एनआईटी मोड़ के पास लगता है। तो आज खान सर यहाँ बुलाए आप लोगों को? जी सर। कितना मतलब मोमोज का एस्टिमेट है, कितना मोमोज निकल जाएगा? 10,000 लड़के के लिए 10,000 मोमोज सर। 10,000 लड़की है? जी सर। 10,000 लड़की खाने के लिए आई है? जी सर। क्या बात कर रहे हैं। तो मोमोज कितना है? 10,000 पीस। 10,000 पीस पर लड़की एक पीस है? अच्छा, उतना ऑर्डर दिया गया 10,000 पीस का? अच्छा। तो हम तो 4-5 हज़ार समझ रहे थे। यहाँ जो है 10,000 लड़की आई है, आने वाली है खाने के लिए, और 10,000 लोगों को खाना बना। ओ ओ ओ, ये देखिए, ये दिखाई नहीं, यहाँ पिज़्ज़ा हट का भी काउंटर लगा हुआ है। क्या बात है, ये देखिए, ये पिज़्ज़ा हट का काउंटर है, और यहाँ पिज़्ज़ा हट से मतलब ये लोग मुलवाए हैं लोगों को, और पिज़्ज़ा जो है वो बनाया जा रहा है। कौन सा पिज़्ज़ा बन रहा है भैया यहाँ पर? यहाँ पे तो ऑप्शन एक ही है सर। एक ही ऑप्शन है, कौन सा है? वेज में है स्पाइस पनीर। आप लोग कौन वाला शॉप से आए, कहाँ वाला पिज़्ज़ा हट से, कौन सा ब्रांच? राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर वाले ब्रांच से आए। अच्छा, और कितना पिज़्ज़ा का है आज यहाँ पे? तो ऑर्डर है 1,000 का। 1,000 पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया गया है? अच्छा, यहाँ देखिए, ये पिज़्ज़ा हट से भैया लोग आए हैं, और 1,000 पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया गया। पूरा ओवन सब लेकर आए हैं, और एकदम लाइव फ्रेश पिज़्ज़ा जो है वो बन रहा है, और लोगों को खिलाया जा रहा है। एकदम पूरा चीज़ी सा पिज़्ज़ा जो है वो दिख रहा है। यहाँ पर वॉलेंटियर हैं? हाँ। आप लोग यहाँ मतलब पढ़ाई करती हैं या क्या, स्टाफ है, कौन है आप लोग? पढ़ाई करते हैं, बीपीएससी का तैयारी। अच्छा, आप लोग खुद भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं? हाँ। और आज के दिन यहाँ पर वॉलेंटियर का काम कर रही हैं? हाँ। तो कैसा लग रहा है? ये तो आप लोग हर साल देखते होंगे? फर्स्ट करते हैं, नया थोड़ी है, हर साल ही करते हैं। हर साल ऐसा ही भीड़ होता है? इस साल तो थोड़ा कम है ना, पिछले साल से तो थोड़ा कम भीड़ है। ये भीड़ कम है इस साल? हाँ, थोड़ा मैनेजमेंट अच्छा हुआ है ना, तो थोड़ा भीड़ कम मिला है ना इसीलिए। अच्छा। और कितना अलग अलग आइटम है यहाँ पर आज? 130 आइटम आज है। आप लोग खाना खा ली? नहीं, आप खाएंगे? अभी पहले मैनेज करिए, उसके बाद खाइएगा। चलिए, थैंक यू आप लोग, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे हैं, मतलब जो भी डिशेस आप ट्राई किए, टेस्ट सही था? अच्छा है। आपको कैसा लगा? अगर कुछ भी कहा जाए तो बहुत कम, कहते हैं कि कोई हंसती है, तो सच में खाना खान सर एक हंसती है। टेस्ट बहुत काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे खड़े खड़े खा रही है, मजा आ रहा है। क्या ट्राई कर रहे हैं? पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा वो क्या है ना कि चेयर खाली नहीं है, इसलिए मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। देख सकते हैं कि खान सर भी आ चुके हैं। हाथ देख सकते हैं, हाथ देखिए, इनका हाथ उठ नहीं पा रहा है, एक आदमी हेल्प कर रहे हैं इनके हाथ को उठाने में, इतना ज़्यादा ये राखी देखिए, पूरा एक हाथ जो इनका उठ नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा राखी जो है ये बंधा हुआ है इनके हाथ में। सबसे आए हैं फीडबैक लेने के लिए कि कैसा टेस्ट लग रहा है, सब कुछ सही है कि नहीं, अरेंजमेंट सही है कि नहीं। जो काउंटर था वो आपको दिखाए थे, नीचे भी वही सीन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर काउंटर है, नीचे भी काउंटर लगा हुआ, अलग अलग जो कार्ट है वो लगा हुआ है, कहीं पर मिल रहा है चाट पकौड़ी, तो कहीं पर मिल रहा है कुल्फी, और ये जो सारा चीज़ है ये खान सर की तरफ से ही, आगे टिक्की चाट दिख रहा है, पानी पूरी दिख रहा है, इधर पापड़ी चाट, इधर जो है कुल्फी, सब कुछ जो है खान सर की तरफ से ही। ऊपर जगह नहीं था तो नीचे भी कुछ काउंटर लगा हुआ है। वक्त के साथ भीड़ और गर्मी दोनों ही यहाँ बढ़ता चला जा रहा है, तो लोग जो है अपना खाना लेके, खाने का प्लेट जो लेकर अब बाहर जा रही है। ऊपर लाइब्रेरी है, कहीं कहीं अलग अलग जगह जो है लोग जाके अब खाना अपना खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी